हेलो दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की। और आप देखिए कि स्टॉक में लगातार एक तेजी का माहौल चालू हो चुका है। 7% के आसपास की रैली आज इस स्टॉक में आई है। बहुत ही बेहतरीन सा टारगेट भी इस स्टॉक में आया है। बात करेंगे दोनों की, रैली की भी और टारगेट की भी, क्या यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, रैली के पीछे की बड़ी वजह क्या है और मार्केट में रिकवरी जो आई है उसके पीछे के कारण क्या है, और क्या नेक्स्ट वीक में भी रिकवरी हमारी जारी रह सकती है या नहीं, और अगर रिकवरी जारी रहेगी तो क्या आईडीबीआई बैंक में भी इसी तरह की तेजी बनी रहेगी या नहीं, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की, तो यार देखो काफी बेहतरीन स्टॉक मैंने पहले भी कहा था आपको है, और गिरावट के बाजार में भी मैंने आपको बेचने के लिए मना किया था यहाँ पर। और आज ही देखिए मार्केट की रिकवरी के साथ ही आईडीबीआई बैंक में क्या बेहतरीन रिकवरी आई है, और इसी रिकवरी की उम्मीद भी थी। देखिए मार्केट में रिकवरी आ रही थी, कल भी मैंने आपको दिखाया था कि मार्केट में रिकवरी आई और स्टॉक में पिकअप किया हमारा। वहां पे होल्ड करने की स्ट्रेटजी पहले भी थी मेरी अभी, और होल्ड करने की स्ट्रेटजी अभी भी मेरी है। अगर यहाँ पर अभी भी आप लॉस में हो, और हो गए भी, 44 तक हमारा स्टॉक गया था और वहां से अभी डाउनवर्ड है, बट स्टिल अगर आप लॉस में हो तो भी मैं यहाँ पर कहूंगा कि अगर आप होल्ड करते हो तो अभी भी आपका लॉस भी रिकवर होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी इस स्टॉक में बनेगा। कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, और जो टारगेट है उसके बारे में भी बात करेंगे, खरीदारी करनी है या नहीं उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्या खरीदारी कर सकते हैं इस स्टॉक में या नहीं। मॉर्निंग का चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, मॉर्निंग में इंट्राडे का चार्ट है, सिंपल चार्ट हमारा, तो यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी आई है। 2-2.5 रुपए की रिकवरी यहाँ पर आई थी मॉर्निंग से ही हमारी, और 7.5% का इंट्राडे और 7% की क्लोजिंग आई है हमारी। तो लगभग 4 दिन में जो गिरावट थी हमारी उसका थोड़ा सा फैसला सा होता हुआ आया है यहाँ पर, कि 4 दिन की गिरावट के बाद अब थोड़ी रिकवरी आई है। तो रिकवरी जारी रहेगी या नहीं वो बात अलग है हमारी, बट क्या यहाँ पर बाइंग करके रखेंगे तो पैसा बनेगा। आईडीबीआई के फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, जिस तरह की खबरें आई थी पीछे जिससे बाहर कर दिया गया था, पिछले दिनों सीईओ के भी काफी बड़े बयान आ रहे थे सामने, राकेश शर्मा जी के, तो वो सारी चीजें भी हमारे सामने आई हैं। और यहाँ पर स्टेक सेल का जो डिसीजन है, हालांकि जब भी होता है कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट करनी है तो दीपम उसका एडमिशन लेता है, मतलब चेक करता है, उसे एनालिसिस करता है, उसका डिसीजन लेता है, बट यहाँ पर दीपम ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट है हमारा, वो उन्होंने मना कर दिया है, और उन्होंने बोला कि LIC ही उसमें डिसीजन लेगा कि कितना उनको स्टेक शेयर करना है, कितना उनको डाइवेस्ट करना है, वो सारी चीजें वही डिसीजन करेगा हमारा। तो वो खबर भी काफी अच्छी है क्योंकि LIC ओन्ड बैंक है भैया, तो जितना कम डिसइन्वेस्टमेंट होगा उतना का अच्छा रहेगा, जो बैंक्स में नौकरी करते हैं उनके लिए भी, और जो बाहर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी। प्राइवेटाइज हो जाना एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्राइवेट बैंक हो जाएगा तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाएगा, तो वो एक सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का असर जरूर दिखेगा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी और पोटेंशियल पर भी। तो यहाँ पर बात करें शॉर्ट में कि खरीदना है या नहीं, तो बिल्कुल खरीदना है। कब तक के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं है भैया। देखो शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी देखो 1 दिन की रिकवरी जरूर आई है, बट 1 दिन की रिकवरी बहुत शॉर्ट टर्म थी, रिकवरी खत्म हो गई मान लिया। अब मंडे को क्या होना है ना किसी को भी नहीं पता है, अंटिल और अनलेस आप 2 दिन बिताएं इसमें, 2 दिन आप टाइम मशीन में जाकर 2 दिन बाद देख के चले आए, क्योंकि 2 दिन का जो गैप है ना बीच में, मतलब सैटरडे और संडे का, आज देखिए ग्लोबल मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता, 2 दिन की खबरें क्या रहती हैं, जिस तरह का बाजार हमारा बना हुआ है उसमें इतनी छोटी सी, मतलब 1 दिन की, आधे दिन की रिकवरी को देखकर, हालांकि रिकवरी बहुत ही अच्छी हुई है, निफ्टी 50 में 700 के ऊपर बंद हुआ है हमारा 1400 के, बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा वेट करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है तो ना करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वेट करो। शॉर्ट टर्म के लिए तभी बाय करना जब क्लियर कट आपको पता लग जाए कि मार्केट में रिकवरी अब आएगी ही, अब मार्केट रिकवर करेगा और 15 के ऊपर जाएगा हमारा, ठीक है। एंड 15 के ऊपर का मेरा मतलब है कि निफ्टी 50 जो 15,000 के ऊपर चला जाएगा, और वो भी कोई हमारा श्योर शॉट नहीं है कि 15 के ऊपर चला गया तो अब रुका ही रहेगा, क्योंकि 2 बार क्रॉस कर चुका है और दोनों बार डाउनवर्ड आ जाता है बिकवाली के चलते। तो थोड़ा सा देखो जो 3-4 फैक्टर्स थे हमारे उन पे आपको नजर होनी चाहिए यहाँ पर। आईडीबीआई को खरीदना है, आज के 7% की रैली देख के बहुत सारे लोग खरीद लेंगे, पर मत खरीदो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और खरीदो तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदना, शॉर्ट टर्म के लिए मत खरीदना। क्यों? क्योंकि देखो कोरोना के केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, आज की रिकवरी के बाद ये नहीं होगा ना कि कोरोना के केसेस कम हो जाएंगे, वो तो अभी भी बढ़ रहे हैं। दूसरा हमारा बॉन्ड यील्ड है तो वो अभी भी बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस, ओपेक का जो स्टेटमेंट था कि अप्रैल के बाद ही हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, तो आज की रिकवरी देख के थोड़ी ना स्टार्ट कर देंगे वो लोग प्रोडक्शन करना, तो वो सारे फैक्टर्स अभी भी हैं, अभी भी उनका जो असर है वो हमें नेक्स्ट वीक के मार्केट में आता हुआ दिखाई दे सकता है। ग्लोबल क्यूज कितनी जल्दी हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं उस पर भी बात डिपेंड करेगी हमारी, कुछ मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा।
तो वो सारे फैक्टर जो गिरावट में थे वही फैक्टर्स अभी भी मार्केट को परेशान करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यही एक सलाह रहेगी मेरी कि अगर आप बाय करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना इस स्टॉक को, तो ही बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए अवॉइड करना क्योंकि यार इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने बताया ना कि मार्केट में जो रिकवरी आई है उसकी वजह से जो बाकी फैक्टर्स है उनमें नहीं सुधार आ जाएगा। हालांकि माइंडसेट हमारा बदल जाएगा, इन्वेस्टर्स के तौर पर हम सोचेंगे यार खरीदारी कर लेते हैं, बट उसको थोड़ा सा अवॉइड करोगे क्योंकि जो कोरोना केसेस है, बॉन्ड यील्ड है, क्रूड ऑयल प्राइसेस है, वो अभी भी वही के वही है, उनका कोई भी असर यहाँ पर मतलब जो मार्केट रिकवरी आई है इस रिकवरी का कोई असर इन तीनों फैक्टर्स पर नहीं पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए थोड़ा सा भी बाइंग शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करना है। लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, एक साथ सारा पैसा नहीं डालना है, 60-40 का रेशियो लेके चलना है या 50-50 का रेशियो लेके चलना है तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप एक दो पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है लगातार कि हमारे स्टॉक में देखिए 7% की तेजी आई है आज, तो इसलिए खुश नहीं हो जाना है बहुत ज्यादा कि तेजी आ गई है, अभी बढ़ता ही रहेगा क्योंकि जैसा मैंने अभी बोला आपको कि यार ये जो फैक्टर्स थे गिरावट के वो है अभी भी, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए मार्केट में। तो एक फैक्टर जो हमारा है वही कि मार्केट में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, मार्केट में गिरावट होगी दोबारा से आईडीबीआई बैंक में उसका असर देखने को मिलेगा हमें और दोबारा से आईडीबीआई बैंक में गिरावट का माहौल बन सकता है। तो ये एक बड़ा रीजन होगा हमारे सामने, एक बड़ा फैक्टर होगा हमारे सामने कि जिस पर हमें रखनी है नजर, और मंडे से ही नहीं इस पूरे महीने आपको नजर रखनी, फाइनेंशियल ईयर एंड है, ये भी एक बड़ा फैक्टर था हमारा स्टॉक मार्केट की गिरावट में। अभी भी आप देखो कोई तो FII और DII का जो डेटा है हमारा, FII तो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं लगातार, बट DII जो है वो इक्वली बिकवाली कर रहे हैं। 1260 करोड़ का माल खरीदा गया था कल के बाजार में और DII की तरफ से 1116 करोड़ का माल बेच दिया गया था बाजार में। तो जब इतनी ज्यादा बिकवाली होगी, 100 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर नेट बाय किया गया है। ओवरऑल अगर आप एक हफ्ते का डेटा देखोगे तो FII ने 3500 करोड़ का माल खरीदा है और DII ने 3700 करोड़ का माल बेच दिया है। 200 करोड़ की फ्री सप्लाई अभी मार्केट में वैसे की वैसी ही पड़ी हुई है और ये हाल तो सिर्फ इक्विटी बाजार का है। आप सोचिए कि इसके साथ साथ कमोडिटी मार्केट क्या कुछ कर रहा है हमारा, उस पर भी एक नजर रखनी चाहिए वैसे तो आपको, बट उसको छोड़ भी दें अगर हम, तो यहाँ पर आपकी विशेष तौर पर नजर स्टॉक मार्केट पर तो होनी ही चाहिए कि किस तरह से हमारा शेयर बाजार परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से FII DII हमारी खरीदारी या बिकवाली कर रहे हैं। इसका बहुत ज्यादा असर हमें अपने स्टॉक मार्केट पर दिखेगा और स्टॉक मार्केट की रिकवरी का असर या फिर डाउन ट्रेंड का असर हमें अपने स्टॉक पर दिखेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहना है, स्टॉक को मार्केट को देख के चलना है, तभी बाइंग या सेलिंग करनी है। सेलिंग ना करो तो ज्यादा बेहतर है। स्टॉक हमारा रिकवर कर रहा है जैसे मैंने बोला था आपको कि स्टॉक में रिकवरी आएगी और देखिए यहाँ से आपको रिकवरी भी आती हुई दिखाई दी है यहाँ पर, ठीक है, और ये रिकवरी आगे भी जारी रहेगी। आपको बस होल्ड करके चलना है और जारी रहने से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको नेक्स्ट वीक पूरा एकदम भागता हुआ दिखाई देगा, 44-45 का लेवल आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, डिपेंड करता है मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। पूरा हफ्ता जिस तरह से गया है ना, इस समय पर कुछ भी कहोगे आप तो वो गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि सेफ जोन में रहो, लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से बाय करना है करो, होल्ड करो स्टॉक को, बढ़िया प्रॉफिट आपका स्टॉक में बनेगा, अच्छी खासी रैली स्टॉक में आएगी। अब मार्च को खत्म होना पड़ेगा, अप्रैल से यहाँ पर और अच्छा खासा मार्केट हमारा देखने को मिलेगा। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, थैंक यू अगेन, लाइक कर देना, शेयर कर दिया करो यार कभी कभी वीडियो को, थैंक यू।